सवाल ये है कि हम किन जानवरों पर कुर्बानी कर सकते हैं। देखिए, ऊंट ऊंटनी पर कुर्बानी कर सकते हैं। ऊंट ऊंटनी, इनकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और बकरा बकरी, बकरा बकरी इनकी कुर्बानी भी कर सकते हैं, इनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। दुम्बा दुम्बी और भेड़, दुम्बा दुम्बी और भेड़, दुम्बा दुम्बी और भेड़ इनकी कुर्बानी भी कर सकते हैं, इनकी उम्र भी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। ये भी है कि अगर आपके पास दुम्बा दुम्बी या भेड़ है, वो 6 महीने का है, उसकी उम्र 6 महीने हो चुकी है पूरी, और देखने में इतना फरबा है, इतना सेहतमंद है कि 1 साल का लगता है। उम्र 6 महीने की है और देखने में 1 साल का लगता है। दुम्बा दुम्बी या भेड़ देखने में 1 साल का लगता है, इतना फरबा है, इतना तंदुरुस्त है, लेकिन उम्र 6 महीने की है, देखने में 1 साल का लगता है, तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। और इसके अलावा गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी, देखिए जो बड़े उम्र की गाय होती है उसे हम गाय कहते हैं, और जो बड़ी उम्र का बैल होता है उसे बैल कहते हैं, और जो छोटी उम्र के होते हैं यानी 2 साल जिसे 2 दांत लोग कहते हैं, उन्हें बछड़ा बछड़ी कहते हैं, बछिया कहते हैं, इनकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। और यहाँ तक के भैंस भैंसा कट्टा कट्टी, इसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। भैंस भैंसा तो आप जानते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं उन्हें हम कट्टा कट्टी कहते हैं, यानी मतलब ये कि जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसे कट्टा अगर मेल है और कट्टी यानी फीमेल है, 2 साल का होता है तो हम उसे कट्टा कट्टी कहते हैं। जैसे बड़ी उम्र का ये भैंस है भैंसा है तो उसे भैंस भैंसा कहा जाता है, तो इसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। गाय भैंस भैंसा, बैल बछिया बछड़ा 2 साल कम से कम, ऊंट ऊंटनी कम से कम 5 साल, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, भेड़ कम से कम 1 साल, जैसे कहा था दुम्बा दुम्बी और भेड़ 6 महीने के हों और देखने में फरबा इतने हों और सेहतमंद तंदुरुस्त इतने हों कि साल भर के लगे हों, 6 महीने के देखने में साल भर के लगे, तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। दुम्बा दुम्बी भेड़, बकरा बकरी की कम से कम 1 साल ही है। उम्मीद है मसला समझ में आ गया होगा।